राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल चेयरमैन शबीर अहमद विद्रोही ने शुक्रवार को पत्रकार परिषद कर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है साथ ही कहा कि जमाल सिद्दकी को अपने पद की गरिमा बचाते हुए बौद्धिक वाक्यों का प्रयोग कर सत्य आरोप लगाने का कार्य करें तथा अपनी गलतियों की क्षमा याचना करें शुक्रवार को ले गई पत्र परिषद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल चेयरमैन शबीर अहमद विद्रोही ने कहा कि जमाल सिद्दीकी हज कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए बिना कमेटी एवं सरकार से अनुमति के बिना मनमानी ढंग से हज यात्री व्यवस्था के नाम पर खर्च की जिसमें बैनर वाला चाय वाला डेकोरेशन वाला सी कैमरे वाला नेट बिछाने वाला ऑपरेटर और बिरयानी होटल वाले से लगभग 44 लाख रुपए का व्यवहार किया जबकि सिद्धिकी को पता था कि हज कमेटी दो सौ प्रति हाजी देती है नागपुर हज उड़ान से कुल 3,248 यात्री ने उड़ान भरी है इस हिसाब से हज कमेटी ने छ लाख बावन हजार छह सौ रूपये का भुगतान कर दिया है शेष रुपया सैतीस लाख चौवालिस हजार चार सौ सिद्दीकी ने असंवैधानिक विशेष अधिकार से खर्च किया है और उसे जांच बिठाने जा रही है जिसे बौखला कर सिद्धिकी अनाम शनाब बयान दे रहे है जो सरासर बेबुनियाद है सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा की राज्य सरकार में पद बेचे जाते हैं जिसका मेरे पास पूरा सबूत सिद्धिकी ने राज्य सरकार का उल्लेख किया है वर्तमान सरकार का नहीं इसलिए मेरा उनसे सवाल है कि वे खुद बताएं कि हज कमेटी महाराष्ट्र अध्यक्ष पद कितने में खरीदा था मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो व्यक्ति हज कमेटी महाराष्ट्र का अध्यक्ष रहा है उसे हज कमेटी की संरचना का ज्ञान नहीं है उससे ज़्यादा अफसोस भारतीय जनता पार्टी पर है कि अज्ञानी व्यक्ति और जो कहीं से राजनैतिक प्रतीक नहीं होता उसे अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है जब एक नियम बना हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह जहाँ से हाजी जाते थे जितने हाजी जाते हैं उनमें 200 रुपया पर हाजी के हिसाब से यानी हज कमेटी देती है तो जब यहाँ तीन हजार हाजी उड़ने वाले हैं तो आप 44 लाख रुपया खर्च कैसे कर सकते हैं 200 के हिसाब से खर्च करना चाहिए और जो मैंने कहा है नाजायज और मनमानी इसके दोनों सबूत हैं पहला यह है मनमानी कि नियम के विपरीत खर्च करना मनमानी है और प्रस्ताव बगैर लिए अगर भाई हज कमेटी में सुधार करना है और भी खर्च बढ़ रहे हैं तो कमेटी के अंदर प्रस्ताव रखा जाता है और प्रस्ताव जब पारित हो जाती है तो गोरमेंट से फंड लेना पड़ता है जब कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया तो इसका मतलब ये है कि ये नियम के बाहे है अर्थात गैरकानूनी है तो ये काम उन्होंने किया और आपको बता दूँ कि बिरयानी सेंटर वाले का नाम भी मैं दे देता हूँ वो सलीम नाम का है दो लाख पच्चीस हज़ार के आसपास उसका बाक़ी है और ये क्या गया खिलाने का जब नियमें नहीं है रहने का व्यवस्था देने का है सोने के लिए हाजी को सोने के लिए हाजी के साथ आए हुए व्यक्ति को नहीं सोने के लिए गद्दा देना है और तकिया देना है आप ये बता दीजिए कि आपने कैसे खर्च किया नियम से बाहर खर्च करना अपने पद का दुरुपयोग करना है और जो आदमी अपने पद का दुरुपयोग करता है इसका मतलब कि उसका मकान कांच का होता है उसे दूसरे के मकान पे पत्थर नहीं चलाना चाहिए आप पत्रकार मधु हैं आपसे कुछ छिपा नहीं है लेकिन आप जानते हैं आप भी कुछ लिखते हैं तो सबूत मिले तो लिखते हैं कहानी को कहानी कहकर लिखना पड़ता है मान लिया जाता है कि जो कुछ भी होता है होता है हाँ मोटे आसामी और पतले आसामी का सवाल कहाँ से पैदा होता है जबकि इसकी प्रक्रिया ये है कि विधान परिषद से एक कोई मुस्लिम एमएलए भेजे जाएंगे ज़्यादातर लोग सत्ता पक्ष वाले अपने आदमी भेजते हैं तो वो भेजे जाएंगे एक आपका क्या नाम है कि विधानसभा से भेजे जाएंगे एक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक भेजे जाएंगे फिर उसके बाद तीन मौलाना चुने जाते हैं तो एक उसमें शिया होता है और दो सुन्नी होते हैं तीन कारपोरेटर मुस्लिम जो रहते हैं मुस्लिम कारपोरेटर के जरिए उनको वोट कराकर चुना जाता है तीन को सरकार नामनिष्ट करती है जो गैर सरकारी माने जाते हैं एक वक्फ बोर्ड से आता है एक हज कमेटी का सीईओ रहता है आप ये बताइए कि इसमें मंत्री का क्या है हो सकता है देखिए मैं ये बातों से इनक... मंत्री सिफारिश करता हो मंत्री पीछे से समर्थन करता हो यह एक अलग बात है लेकिन आप सीधे आरोप लगाना कि मोटे आसामी की तलाश है तो भैया कौन से मोटे आसामी का और किस लिए तलाश है ये तो आप आरोप गलत लगा रहे हैं ना भाई उसके हाथ में नहीं है बनाना वो सदस्य भेजता है चेयरमैन बनाने का काम लोकतांत्रिक ढंग से हज कमेटी के चौदह सदस्य मिलकर करते हैं